हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ट्यूटोरियल नंबर 47। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 46 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है फॉर्मेट मेनू का पार्ट 5, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स ऑप्शन के बारे में। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने स्टार्ट मेनू पर क्लिक करिए, और स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इम्प्रेस, और इम्प्रेस सर्च करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देखकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर किसी एक प्लेस होल्डर में क्लिक करना है, और प्लेस होल्डर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई नाम टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेक देव। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया टेक देव। इसके बाद मैंने इसको किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार से इसको कलर दे दिया, और मैंने इसको यहाँ पे एक हाईलाइट कलर भी यहाँ से दे दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है ये एक बार में रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो टेक्स्ट है इसके ऊपर का पूरा फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार से जो भी सेटअप करेंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते ही वो पूरा सेटअप डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसके बाद आपको अपने प्लेस होल्डर के लाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका प्लेस होल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट स्टाइल का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग टैब मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट, लाइन, एरिया, बुलेट, शैडो, नंबरिंग, इमेज, ट्रांसपेरेंसी, फ़ॉन्ट कस्टमाइज, अलाइनमेंट, टैब, हाइलाइटिंग, फ़ॉन्ट इफेक्ट, और इंडेंट एंड स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसमें से कुछ ऑप्शन का यूज करके दिखाता हूँ। तो जो आपके ये सब ऑप्शन हैं ये आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइन के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लाइन का प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो आपको यहाँ पर स्टाइल में नन टाइप है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें कोई एक लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर लिया कंटिन्यूअस, और ये करने के बाद नीचे आपको इसका कलर मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका विड्थ मिलेगा, तो आप यहाँ से इसका विड्थ इंक्रीज कर लीजिए। तो मैंने इसका यहाँ पे विड्थ इंक्रीज कर दिया। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा इसका ट्रांसपेरेंसी, जो आपको 0 रखना है। राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट स्टाइल और एंड स्टाइल का,
तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें अलग अलग स्टाइल भी दे सकते हैं। ओके, ये सब सेटअप करने के बाद आपको यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो प्लेस होल्डर का लाइन है इसके ऊपर ये पूरा सेटअप अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप फिर से इस लाइन के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका टाइटल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से इसका विथ कम कर दिया। ओके, इसका विथ कम करने के बाद आपको यहाँ से फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा प्लेस होल्डर का लाइन है ये यहाँ पर एडिट हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे इसके लाइन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका टाइटल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा एरिया का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके एरिया के लिए कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि कलर, ग्रेडियंट, बिट मैप, पैटर्न और हैच का। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्रेडियंट यहाँ पर ओपन हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई एक ग्रेडियंट किया सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसका सेटअप यहाँ पर दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसका सेटअप भी कर सकते हैं। सेटअप को करने के बाद आपको यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्लेस होल्डर के अंदर मेरा ग्रेडियंट कलर लग गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप फिर से इसके लाइन के ऊपर क्लिक करिए, और लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका टाइटल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा शैडो का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने से इसका शैडो का सेटअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपने यूज शैडो को चेक करेंगे, और इसको चेक करने के बाद आपको इसका यहाँ पे कलर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका डिस्टेंस मिलेगा, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसका प्रीव्यू आपको इसके राइट साइड में मिलेगा, तो आप यहाँ से इसका शैडो भी देख सकते हैं। ओके, शैडो को लगाने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा प्लेस होल्डर है इसका शैडो यहाँ पे लग गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको फिर से इसके लाइन के ऊपर क्लिक करना है। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका टाइटल का बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसका ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया नो ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा फंड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फंड को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लिब्रेशन सेरिफ। इसके बाद मैंने इसको कर दिया बोल्ड, और इसका साइज यहाँ पर मैंने कर दिया 36। इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फंड का कुछ इफेक्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर टाइप है इफेक्ट, तो आप यहाँ पर विदाउट के ऊपर क्लिक करिए, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई एक इफेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कैपिटल्स। ओके, इसके बाद राइट साइड में आपको मिलेगा ओवरलाइन का ऑप्शन, स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन, और अंडरलाइन का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें अलग अलग अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डबल अंडरलाइन। इसके बाद राइट साइड में आपको इसका कलर मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके
इसका आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन कलर। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे शैडो, तो आप इसको चेक कर दीजिए। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको शैडो लगाना है तो आप इसको चेक कर दीजिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा आउटलाइन का, अगर आप इसको चेक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर का कलर रिमूव हो जाएगा और आउटलाइन का कलर दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसको चेक कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है इसका पूरा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद आप फिर से इसके लाइन के ऊपर क्लिक करिए, और इसके लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका टाइटल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप जाकर अपने टेक्स्ट का सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करके आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, और टैब के ऊपर क्लिक करके आप इसका टैब का भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पे टाइप दिया है 4, तो जो आपके टैब के प्रकार हैं ये यहाँ पर 4 हैं, जिसका नाम है लेफ्ट राइट सेंटर और डेसिमल। इसके फिल करेक्टर में यहाँ पे दिया है डॉट डॉट डैश डैश और अंडरस्कोर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका पोजीशन टाइप है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5 इंच। ओके, इसके बाद मैंने इसको फिल करेक्टर में डॉट डॉट कर दिया, और ये करने के बाद आपको यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको लेफ्ट अलाइन कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही ये लेफ्ट अलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई नाम टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डॉट डॉट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा कर्सर है ये यहाँ पर 5 पे जाकर स्टॉप हो गया। ओके, अगर आपको अपने टैब का यूज करना है तो आप कुछ इस तरह इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको फिर से इसके लाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से इसके टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पर अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे हाईलाइट के ऊपर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट के पीछे कोई हाईलाइट कलर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कलर लगाकर दिखाता हूँ। बाकी के जो आपके ऑप्शन हैं ये सब आप अपने से चेक कर लीजिएगा, ये आसानी से चेक हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है इसके पीछे हाईलाइट कलर लग गया। ओके, तो ये था हमारा एडिट स्टाइल ऑप्शन, जिससे आप अपने टेक्स्ट का पूरा सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्टाइल्स ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन और मैनेज स्टाइल का। तो आप यहाँ पर अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपने स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं, और न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा मैनेज स्टाइल का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सभी एडिट किए गए स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा F11 बटन, तो आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये थे फॉर्मेट मेनू के कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।